गाइस, क्या आपको पता है कि हम अपनी पलकों को क्यों झपकाते हैं? और भारत की शकुंतला देवी नामक एक महिला ने बहुत ही यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानने वाले हो कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, स्टनिंग मैन, स्टनिंग। फैक्ट नंबर वन, यदि आप गूगल पर गूगल स्फीयर सर्च करते हो तो आप देखोगे कि जो गूगल का पेज होगा और वहाँ की जो सारी लिंक्स होगी वो गूगल के चारों ओर एक स्फीयर की तरह घूमने लगेगी। और अमेजिंग बात तो ये है कि आप किसी भी लिंक पर क्लिक करके अगले पेज पे भी जा सकते हो। फैक्ट नंबर टू, यदि आपकी अपने सपने के अंदर मौत हो जाती है, मतलब कि आपने कोई सपना देखा और उस सपने के अंदर आप किसी बिल्डिंग से गिर रहे हो और आपकी मौत हो जाती है, तब आपने नोटिस किया होगा कि जो आपकी नींद है वो अचानक से खुल जाती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता होगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो कभी भी मौत का विचार नहीं ला सकता और ना ही वो हमारी मौत को देख सकता है, और मौत के बाद क्या होता है वो ये भी सेंस नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर थ्री, जब आप अपनी आंखों को बंद करते हो तो जो कलर आपको दिखाई देता है वो असल में ब्लैक कलर नहीं होता। जी हाँ, उस कलर को गैंगरू कहते हैं, जो कि ब्लैक कलर से थोड़ा डिफरेंट होता है। फैक्ट नंबर फोर, इस फोटो को देखिए। जैसा कि हम सभी देख सकते हैं कि जो खरगोश है वो कूद सकता है, लेकिन खरगोश इस धरती पर केवल 8 साल ही जीवित रह सकता है। लेकिन जो कछुए होते हैं वो कूद नहीं सकते, स्टिल वो 150 ईयर्स तक जीवित रह सकते हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सम टाइम्स लेजीनेस इज द की। फैक्ट नंबर फाइव, नेटफ्लिक्स ने एक नई हॉरर मूवी रिलीज की है जिसका नाम है वेरोनिका, और ये अब तक की जितनी भी हॉरर मूवीज है उनमें से सबसे डरावनी मूवी है, और अधिकतर लोग इस फिल्म के फिनिश होने से पहले ही इसे बंद कर देते हैं। नेटफ्लिक्स ने कहा था कि 100 में से कोई एक व्यक्ति ही इस फिल्म को पूरी देख सकता है, और फिल्म के एक्सपर्ट्स ने तो ये भी सुझाव दिया था कि ये मूवी कमज़ोर दिल वालों की जान भी ले सकती है। और एक फैक्ट ये भी है कि यदि हम कोई 90 मिनट्स की एक हॉरर मूवी देखते हैं तो हमारी 200 कैलोरीज बर्न हो जाती है और हमारी हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है। फैक्ट नंबर सिक्स, भारत की शकुंतला देवी नामक एक महिला ने बहुत ही गजब का वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक किया है। दरअसल उन्होंने मैथ्स में 2 13-13 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई किया था और वो डिजिट ये थी, और जब सारा कैलकुलेशन करके उनका जो सॉल्यूशन आया था वो था 18947668177995426462773 और 730। और गजब की बात तो ये है कि उन्होंने ये सारा कैलकुलेशन जस्ट 28 सेकंड्स में कंप्लीट किया था। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर सेवन, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो सांप होते हैं उनमें जहर पाया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो स्नेक्स होते हैं उनमें भी 2 प्रकार के जहर होते हैं? एक होता है न्यूट्रॉक्सिक, जो कि हमारे दिमाग पर असर करता है, और दूसरा होता है हेमोटॉक्सिक, जो कि हमारे खून को जमा देता है। फैक्ट नंबर एट, एक बार फरारी के ओनर ने एक ट्रैक्टर कंपनी के ओनर की इंसल्ट करते हुए कहा था कि तुम केवल एक ट्रैक्टर को ही हैंडल कर सकते हो, लेकिन तुम फरारी को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते। और आज वो ट्रैक्टर कंपनी लैम्बोर्गिनी के नाम से जानी जाती है, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा। सो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड थिंग्स आर पॉसिबल। फैक्ट नंबर नाइन, भारत के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है विशाल राव। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि बिना आवाज़ वाले को भी आवाज़ दे सकता है, और वो इस डिवाइस को मात्र 50 रुपये की लागत पर दे रहे हैं। पूरी दुनिया ने उनके इस कार्य के लिए उनकी सराहना की है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा इंडियन मीडिया उनको इग्नोर कर रहा है। फैक्ट नंबर टेन, हम अपनी पलकों को क्यों झपकाते हैं? हमारी पलकों को झपकने में सेकेंड का एक ही अंश लगता है। जब हम रोते हैं या प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू तो निकलते ही हैं, साथ ही हम पलकों से अपनी आंखों को बंद भी कर लेते हैं। कहने का मतलब यही है कि हम पलकों का उपयोग अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए ही करते हैं, परंतु पलक झपकना हमारी आंखों की रक्षा 2 तरीके से करता है। झपकने की क्रिया के दौरान जब हमारी पलकें नीचे आती है तो वे हवा तथा अन्य कणों को बाहर ही रोक देती है। इसलिए जब कोई आपकी आंखों पर जोर से फूंक मारता है तो बगैर सोचे समझे हम अपनी आंखों को झपका देते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पलकें आंखों पर बंद होती है तब वे आंखों पर 2 तरह के तरल पदार्थ फैला देती है, आंखों की अश्रुग्रंथियों में बनने वाले आंसू और सेबेशियस ग्रंथि द्वारा बनाए जाने वाला स्नेहक तेल। सेबेशियस ग्रंथियां प्रत्येक रोम के बीच में पाई जाती है और ये स्नेहक तेल आंसुओं को जल्दी से वाष्पित होने से रोकता है। ये 2 तरल पदार्थ मिलकर आंखों में आए धूल और अन्य कणों को बहाकर बाहर करने में मदद करते हैं। इसलिए देखा गया है कि जब आप किसी धुएं भरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पलकें झपकाने लगते हैं ताकि आंखों में नमी बनी रहे और वे साफ रहें। गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।